करेंगे डेंटल फिलिंग के बारे में। डेंटल फिलिंग क्या होती है, डेंटल फिलिंग के कितने टाइप्स होते हैं और डेंटल फिलिंग कब करी जाती है और उसमें कितना खर्चा आता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी डेंटल के रिगार्डिंग जानकारी मिल पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल फिलिंग कब कराई जाती है। देखिए, डेंटल फिलिंग तब कराई जाती है जब हमारे दांत की जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे पहली लेयर होती है इनेमल, दूसरी लेयर होती है डेंटाइन। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे एनिमेशन पे दिखा दूंगा। जो पहली लेयर होती है इनेमल और उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है डेंटाइन, अगर आपका जो कैरीज है यानी कि जो सड़न है, या मैं आपको नॉर्मल में समझाऊं, कीड़ा लगा है ऊपर या ऊपर की दो लेयर में, अगर आपकी कैरीज है, सड़न है, उस दांत को आप फिलिंग के द्वारा बचा सकते हो। और दूसरा, अगर इनेमल के बाद जो नीचे पल्प वाला पार्ट आ जाता है, ऊपर की दो लेयरों के बाद जो पार्ट आता है पल्प वाला पार्ट, ठीक है, जो वो तीसरा पार्ट आता है, अगर वहां पे अगर आपकी सड़न है तो आपको बहुत दर्द होगा और दांत में सूजन होगा। ऐसी स्थिति में आप दांत में फिलिंग नहीं करवा सकते। ठीक है, जब ऊपर की दो लेयरों में दिक्कत होगी तो वहां पे आप क्या करा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने दांत को बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिलिंग कितने प्रकार की होती है। फिलिंग होती है तीन प्रकार की। सबसे पहली होती है अमलगम फिलिंग। अमलगम जो फिलिंग है वो बहुत पहले चलती थी, आजकल बहुत कम चलती है। क्योंकि देखिए, अमलगम फिलिंग में क्या रहता है कि ना, क्योंकि ब्लैक कलर की होती है तो बाद में वक्त के साथ साथ वो दांत को भी काला बना देती है। ठीक है, और दूसरी फिलिंग है हमारी ग्लास आयनोमा, जिसको हम बोलते हैं जीआईसी फिलिंग। ये फिलिंग थोड़ी क्रीमी टाइप की होती है और पूरा जो नेचुरल लुक है दांत का इसमें भी उतना नहीं आता। जो आजकल लेटेस्ट फिलिंग चल रही है, तीसरी वाली फिलिंग, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिलिंग, उसको लेजर फिलिंग भी बोलते हैं। लेजर फिलिंग एकदम दांत को मैच करती है, जैसा आपका दांत है वैसे ही उसमें मैचिंग करके फिलिंग हो जाती है। तो सबसे बेस्ट फिलिंग आजकल है कंपोजिट फिलिंग। अब हमने दो चीजें जान ली कि फिलिंग कब होती है और कितने टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे कि फिलिंग में खर्चा कितना। देखिए, आप जहाँ पे भी हैं, आप पूरे इंडिया में घूम पे भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, इस वीडियो को आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्लिनिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर सारे क्लिनिक पे अलग अलग या हॉस्पिटल पे अलग अलग कॉस्ट आता है। तो मैं आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ कितने से स्टार्ट होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अमलगम फिलिंग अगर आप कराने जाएंगे तो आपका 400 रुपये से 500 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, और दूसरा, अगर आप तम ये जीआईसी फिलिंग कराना चाहेंगे तो जीआईसी फिलिंग में आपका खर्चा आएगा 600 से 800 रुपये। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कंपोजिट फिलिंग कराना तो कंपोजिट फिलिंग का खर्चा आता है 700 से 900 रुपये। तो फिलिंग जो है अलग अलग क्लिनिक पे अलग अलग रेट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ जो रेट ज़्यादातर चलता है और रेट चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपको किसी पर्टिकुलर क्लिनिक का अलग अलग रेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल होंगे तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है @hemadental, वहाँ आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन, ओरल सर्जन और साथ ही साथ डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल की सारी फैकल्टी अवेलेबल है। तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।